जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र हल्दवा पानी में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से ट्रीटमेंट कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सितंबर माह का समय निर्धारित था, लेकिन मानसून के चलते दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। भूस्खलन क्षेत्र में माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब गेबियन वाल का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने भूस्खलन से प्रभावित भवनों में लगे क्रैंकोमीटर की भी जांच की, जिसमें दरारें बढ़ने की घटनाएं नहीं पाई गईं। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे सुरक्षात्मक कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। आज जो मीठा पानी का निरीक्षण किया गया है, जो आपको सुरक्षात्मक कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, तो कंपनी का कार्य थोड़ा विलम्ब से चल रहा है। सितंबर का बॉन्ड कंप्लीशन डेट था, तो उसमें मानसून का हवाला दिया गया है और उनको टाइम एक्सटेंशन मिला है दिसंबर का। तो यहाँ माइक्रो पाइलिंग का काम 4 चरणों में पूरा हो चुका है और अब बेबी वॉल का काम कर लीजिए। तो कार्य प्रथम दृष्टया तो संतोषजनक लग रहा है, ऐसी कोई कमी यहाँ नहीं दिख रही है। और एक घर का हमने क्रैकोमीटर भी अवलोकित किया है, जिसमें कोई भी क्रैक पड़ने की घटना नहीं पाई गई है। तो आशा है कि ये हल्दवा पानी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा और सुरक्षात्मक दृष्टि से सफल रहेगा।